कहानी एक लोमड़ी और कौवे की है। एक समय की बात है, एक लड़का पनीर खा रहा था कि एक कौवा उड़कर कहीं से आया और लड़के का हाथ से पनीर का टुकड़ा झपट कर तेजी से एक वृक्ष पर ऊपर बैठ गया और मजे से पनीर खाने लगा। तभी एक लोमड़ी उधर से गुजरी, उसने कौवे की चोंच में पनीर का टुकड़ा को देखा और लालच से अपने होंठ पर जीभ को फेरा। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भाई तुम कितने प्यारे दिखते हो, तुम्हारी चमकती पंख और नोखीले चोंच जब इतनी सुंदर है तो तुम्हारी आवाज़ कितनी मधुर होगी। कौवा अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। ऐसा करते ही उसकी चोंच में दबा हुआ पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया, जिसे लोमड़ी उठाकर भाग गई। चालाक लोमड़ी ने जाते जाते कहा, प्यारे कौवे तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है पर बुद्धि नहीं है, इसलिए झूठी प्रशंसा करने वालों